वेलकम विजन एंड प्लानिंग इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PO PRE जो 11 अगस्त को होना है उसके लिए 30 डेज कंप्लीट प्लानिंग में पेश करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स जो कि प्री दे चुके SBI PO के और SBI क्लर्क के भी, जिनका मेन एग्जाम भी लगभग इसी समय होना है, उनको मेन की भी तैयारी करनी है, वो क्या करेंगे। जो पहले से RRB के लिए तय किए हुए हैं वो क्या करेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या उनके लिए कोई चांसेस हैं इन 30 डेज में, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्लीट प्लानिंग पर बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले आप मेहनत कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए निराश तो होना नहीं है। शुरू करने के पहले मैं आप में से प्रिय एक स्टूडेंट के कमेंट को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कल ही कमेंट किया था कि सर मुझे आपका वीडियो देखना छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी मैंने SBI PO के प्री में सिर्फ 21 ही अटेम्प्ट ले पाया। ये उनका स्टेटमेंट था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसे दूसरे रूप में देखिए ना, 35 में 21 अटेम्प्ट ले पाए, यहां तक आप पहुंचे हैं। आप एक बार पीछे की ओर देखिए कि आपने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी और वहां से आगे बढ़ते हुए आप 21 अटेम्प्ट ले पाए। अगर 27, 28 प्लस हो जाता तो सक्सेस के चांसेस पैदा हो जाते। यानी बस थोड़ा सा बाकी है, यानी वीकनेसेस हैं। उन वीकनेसेस को कैसे दूर किया जाए इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं ले पाए तो वीकनेस तो है। किस एरिया में है जिनको आपने सॉल्व किया उसमें ज्यादा समय लगा, उसके सही अप्रोच के लिए और प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को और साफ साफ समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अलग ही तरह से बनाए जाते हैं और उन पर मैं लगातार बात कर रहा हूं, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपवादों को छोड़ दें, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करना ही पड़ेगा। डायरेक्शन सही हो ये एक बात है। आइए मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं उसके एग्जाम पैटर्न पर बात कर लेता हूं, फिर धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ूंगा और जिनके जिनके लिए मैंने कहा है उन सारे मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि IBPS RRB असिस्टेंट भी होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ये इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि अगले 2-3 दिनों में आप सबों का मार्गदर्शन मुझे करना जरूरी है, तो मैं SBI क्लर्क के मेन के लिए वीडियो दे चुका हूं, SBI PO के मेन के लिए भी दूंगा। विजन प्लानिंग के तहत जल्दी जल्दी ये देना जरूरी है। IBPS RRB PO PRE के लिए मैं अभी बना ही रहा हूं ये वीडियो, और असिस्टेंट उसके लिए भी दूंगा। तो ये विजन प्लानिंग के वीडियो लगातार जल्दी जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएंगे ताकि सही डायरेक्शन में तैयारी कर सके। हाँ, तो इसका जो IBPS RRB है इसका एक अलग स्थान है, रूरल एरिया से संबंधित है, तो इसमें सक्सेस के चांसेस इंटरव्यू तो क्लर्क में होते नहीं लेकिन PO में तो होते हैं, इंटरव्यू में
उन्हीं प्रेफरेंस दिया जाता है जिन्हें रूरल एरिया में काम करने की इच्छा होती है, उनका बैकग्राउंड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं देते एग्जाम क्योंकि वो रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते। कुल मिलाकर के जो दूसरे सारे एग्जाम हैं उनकी तुलना में थोड़ा इजी है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा इजी है। हाँ, कंफर्टेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, जो लगातार जूझते चले आ रहे हैं, तो इसके प्री में तो लैंग्वेज है ही नहीं, ओनली मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, क्लर्क में भी पीओ में भी, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है। इसके बाद जो इसका मेन एग्जाम होना है, इसमें ऑप्शंस हैं, इंग्लिश या हिंदी में से कोई ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे स्टूडेंट के लिए पूरे साल में ये एक सुनहरा अवसर होता है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। पहले एग्जाम पैटर्न का विश्लेषण कर लेता हूं, फिर बात करूंगा कि जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या उनके लिए कोई चांस है 30 डेज में, और पुराने स्टूडेंट्स कैसे आसानी से इसको पास कर सकते हैं। तो 40 क्वेश्चंस मैथ से भी हैं, रीजनिंग से भी हैं, 40-40 मार्क्स के हैं, कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स है, ये एक अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत स्कोर नहीं हो पाता, इंप्रूव करने के बाद भी थोड़ा वीक है, तो वो रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम देके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लेंगे, मैथ में थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, इसका उनको बेनिफिट है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको रीजनिंग स्पेशली पजल में बड़ी दिक्कत होती है, वो मैथ क्वांट को स्ट्रांग बनाएंगे, क्वांट को स्ट्रांग बनाएंगे, उसमें ज्यादा स्कोर करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे, 22.5 मिनट ईच पड़ता है रीजनिंग में भी मैथ में भी, लेकिन वो 25 मिनट्स दे देंगे, संभव है 27 मिनट्स दे करके अगर 40 में 37-38 बना पाए, और बनाना संभव है, मैं बात करूंगा कैसे, एग्जाम पैटर्न क्या है, इस सब पर बात करूंगा, और कैसे बनाना संभव है उस पर भी बात करूंगा। तो दोनों के लिए चांसेस हैं, जिनका मैथ स्ट्रांग है उनके लिए भी, जिनका रीजनिंग स्ट्रांग है उनके लिए भी। सवाल है इसको कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, कोई स्थिति हार्ड नहीं होती, कोई कंडीशन टफ नहीं होता, आप अपने अनुसार उस कंडीशंस को मोड़ दीजिए, वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। पहले मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूंगा, फिर मैथ की करूंगा। जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है वो तो अच्छा करेंगे, जिनकी रीजनिंग एवरेज है वो क्या करें, और जिनकी रीजनिंग वीक है वो क्या करें। लास्ट ईयर का जो एग्जाम एनालिसिस है, हालांकि एग्जाम पैटर्न में कभी भी बदलाव हो सकता है, फिर भी एक एनालिसिस जो एक ढांचा देता है उसका अपना एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। 5-5 क्वेश्चंस के 4 पजल्स आए थे रीजनिंग में, इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर, etc। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो तो 4 में 4 सेक्शन, 4 यानी कि 4 × 5 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेंगे, संभव है पूरा सही भी करें, लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनमें सही 4 सेट्स पजल्स के बनाना संभव नहीं होगा, वो 3 बना पाएंगे जिनकी रीजनिंग थोड़ी अच्छी है, वो 3 बना पाएंगे, 4 में 4 बनाना आसान नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, जिनकी रीजनिंग थोड़ी कमजोर है उनको भी ये 5-5 के जो 4 सेट्स हैं पजल्स के, उसमें 2 चाहिए, 2 चाहिए, श्योर सक्सेस के लिए 2 चाहिए, लेकिन अगर आप एक भी पजल बना पाए तो सक्सेस के चांसेस रहेंगे, तो ये पॉजिटिव बात है, मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता, पॉजिटिव करना चाहता, आपके अंदर जो चीजें हैं उनके उनको बेस बनाइए ना, जो नहीं है, जो मुश्किल है, रहने दीजिए, 30 डेज प्लान में वो कहीं नहीं आता,
बहुत मुश्किल चीजों को इन 30 डेज में नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, जो है जो हो सकता है उसका सही प्लानिंग करके कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये तो मेरा कहना है कि पजल के 4 सेट्स में से 5 क्वेश्चंस के 1 तो आपको हर हालत में बनाना है, कोशिश करनी है 2 पजल सेट्स को सॉल्व करने की, और यदि पजल का आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो 4 में 2 बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो हो गया। पॉजिटिव साइड ये है रीजनिंग में, जो लास्ट ईयर का एनालिसिस है, कि 5 क्वेश्चंस डिफरेंट मिसेलेनियस चैप्टर से आए, वो सभी आपसे बनेंगे, सबों से बनेंगे, जिसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट से लेकर के अल्फाबेट्स वगैरह, ब्लड रिलेशन सब शामिल है, रैंकिंग वगैरह सब। सबसे अच्छी बात ये है कि 5 क्वेश्चंस के 3 सेट्स आए थे, जो 5 क्वेश्चन का 1 सेट था वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। 5 क्वेश्चन का जो दूसरा सेट है वो कोडिंग डिकोडिंग का था, और 5 क्वेश्चंस का जो तीसरा सेट था वो सिलोजिज्म का था। ये 15 में 15 आप पक्का बना पाएंगे, 15 में 15 पक्का बना पाएंगे। संभव है इसमें थोड़ा बदलाव हो, संभव है ब्लड रिलेशंस पर 5 क्वेश्चन का या 3 क्वेश्चन का सेट आ जाए, ये सब संभव है, किसी और सेक्शन से भी संभव है, लेकिन चांसेस तो इन तीनों के बनते हैं ज्यादा कि ये 5 क्वेश्चंस इनसे आए, और इनके सभी 15 क्वेश्चंस आप बना सकेंगे। प्रीवियस इसका प्रैक्टिस कर लीजिए पक्का, और 5 क्वेश्चन जो दूसरे मिसेलेनियस मैंने कहे वो ही बनेंगे, ये 20 आप पक्का बना सकते हैं। और पजल्स के 4 सेट में से, 4 सेट्स में से अगर आपने 2 बना लिया तो फिर आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। 1 बनाने पर भी चांसेस रहेंगे, बशर्ते मैथमेटिक्स सेक्शन में आप अच्छा कर लें। तो अगर रीजनिंग वीक है तो मैथ तो स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों वीक होने से तो नहीं चलेगा, ठीक है। और जिनका रीजनिंग स्ट्रांग है वो तो यहां भी अपर हैंड लेंगे, ऊपर रहेंगे, और मैथ में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लें तो उनके लिए तो एकदम आसान है प्री क्वालिफाई करना। समझ गए। अब आइए क्वांट सेक्शन, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस पर। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी आएंगे। क्वेश्चंस के पैटर्न में, यानी इवन नंबर सीरीज में भी थोड़े थोड़े बदलाव लगातार देखे जा रहे हैं। सारे चेंजेस के बावजूद बदलते पैटर्न में SBI और RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स, इनकी नकल IBPS RRB PO नहीं करता। इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, एक अपना दायरा है। SBI कुछ भी चेंज कर ले, ये अलग तरह का चेंज करेगा, नकल नहीं करेगा, जबकि SBI RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स का नकल करता है, 1 से 2 साल में उसको एडॉप्ट कर लेता है। पता चल जाता है RBI का एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ, अगले साल SBI में होना है। तो IBPS RRB PO के लिए लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि SBI ने बहुत सारे परिवर्तन किए, IBPS ने उस तरह के परिवर्तन नहीं किए। उसका एक पैटर्न है, वो जानता है कि उसको रिक्रूटमेंट करना है रूरल एरिया के लिए, तो रूरल एरिया में काम करने वाले स्टूडेंट्स किस तरह के होंगे उसे पता है, उसे वैसे ही चाहिए, इसीलिए एग्जाम पैटर्न वैसा ही होता है। तो नंबर सीरीज में चाहे जो भी चेंज हो, थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्वांट में मैं बात कर रहा हूं अपने स्टूडेंट से, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, जो मेरा वीडियो नहीं देखते, उनके लिए मैं कोई प्लानिंग तैयार करने नहीं जा रहा। प्लानिंग का संदर्भ है मेरे स्टूडेंट, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो नया नया जुड़े हैं वो भी ठीक है, देखना शुरू कीजिए, मैं बताऊंगा। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, पक्का बनेंगे, 5 में 5 बनेंगे। हालांकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हो सकता है किसी स्टूडेंट से 5 में 5 न बन रहा हो, तो अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, निकल जाना है। एक नहीं बन पाया तो क्या करेंगे, वहां थोड़ी फैसला करना है, छोड़िए,
अगर आपने 2 मिनट्स में 4 बना लिए, अच्छा किया। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के 5 क्वेश्चंस, ये तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, 5 में 5 बनाएंगे ही बनाएंगे, 2 मिनट्स के अंदर, संभव है उससे भी पहले बना लें। ठीक, डेटा इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आप पक्का बनाएंगे। तो आप जरा देखिए, तो नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के 5 क्वेश्चंस और डेटा इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस, इन 15 में मैं बहुत खराब स्थिति में भी तो 14 की उम्मीद करता हूं अपने स्टूडेंट से, और 2 into 3 6 मिनट्स में। ये 6 मिनट्स में यदि आपने 15 में 14 बना लिया तो आपने टाइम भी सेव किया, स्कोर भी किया, और आगे वाले क्वेश्चंस के लिए एक तरह से आधार तैयार हो गया, बेस तैयार हो गया। मिसलेनियस क्वेश्चंस बाकी 25 में, रेस्ट 25 में मिसलेनियस क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आए थे, आने भी चाहिए, और डीआई के 3 सेट्स आए थे, इस बार भी आने चाहिए, 15 क्वेश्चंस 5-5 के। डेटा इंटरप्रिटेशन, आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे 150 से ज्यादा, उसमें सेलेक्ट करके भी आप देख लेंगे ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि डीआई सेट में 3 सेट, क्योंकि इस बीच मैं और मेहनत करूंगा और पोस्ट भी उस तरह से दूंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 में 15 क्वेश्चंस आपको चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरी प्लानिंग में ये केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, ये 15 में 15 चाहिए, यानी 15 और पिछले 15, 30 में 29 चाहिए, और ये हासिल होगा, बिल्कुल होगा, मैं लगातार मॉक टेस्ट लूंगा। रहा सवाल 10 क्वेश्चंस मिसलेनियस का, और यहीं पर ऊपर नीचे होना है। जो स्टूडेंट बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 10 में 8-9 बनाने में कामयाब होंगे। 10 में 10 बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अप्रॉक्स, डेटा इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज, इनके क्वेश्चन 6 मिनट्स में बनाए कि नहीं। अगर आप उस 6 मिनट्स में बना लेंगे तो जो पहले से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो 10 में 10 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर टाइम ज्यादा लग गया तो फिर आप 10 में 10 नहीं बना सकेंगे, 8-9 बना सकेंगे। पर मेरा जोर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स में बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे, या जो भी हो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, चांसेस उनके लिए भी है, बिल्कुल है, श्योर है, वो कम से कम 5 से 6 मिसलेनियस क्वेश्चंस अवश्य बनाएंगे। जो एरिया है चैप्टर का उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, आएगा कैसे नहीं, कुछ सेलेक्टेड एरिया पर कर। सेलेक्टेड का मतलब क्या होता है, चैप्टर में सेलेक्टेड, मैं सेलेक्टेड उनके लिए बात कर रहा हूं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ सेलेक्टेड एरियाज, जैसे सुनिए, पार्टनरशिप से क्वेश्चन होना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन होना है, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन होना है, टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन होना है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी होगा। लेकिन जो नया प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उनको एग्जाम में बनाने में दिक्कत होगी, तो छोड़िए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का दायरा बहुत बड़ा है, और जब तक पूरा कमांड ना हो तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत होगी, पुराने स्टूडेंट बना सकेंगे, तो नए स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस को इग्नोर कर दीजिए। परसेंटेज पर कमांड तो जरूरी है, बेसिक है, चाहिए ही। एवरेज एजेस पार्टनर से इनसे क्वेश्चन आने हैं, तो ये एरिया मैंने, इस पर मैंने चर्चा की कि वो स्टूडेंट जिनके पास टाइम कम है वो इस सेक्शन को यदि कर लेते हैं तो वो अचीव कर लेंगे, उनको सक्सेस मिलेगा, वो प्री क्वालिफाई कर लेंगे। मेन के लिए मैं अभी बात नहीं कर रहा, 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में मेन की चर्चा भी नहीं होगी, मेन के बारे में बिल्कुल नहीं।
जो लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस 30 डेज में मेन के लिए एक भी सेट नहीं बनाएंगे। अभी 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में टॉप प्रायोरिटी है प्री क्वालिफाई करना। मैं लगातार मॉक टेस्ट लूंगा, उसमें आप अपने को चेक कीजिए, मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और इंप्रूव कीजिए। ये समझ गया। अब मैं बात करता हूं अलग अलग स्टूडेंट्स और उनकी कैटेगरी के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वो स्टूडेंट जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम प्री दे चुके, मेन देना है, एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम दे चुके, मेन एग्जाम देना है, वो क्या करें, क्योंकि उनको मेन एग्जाम देना है। तो मेरा कहना है कि आपने प्री एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया, आप तो 100% तैयार हैं प्री के लिए, तो आपको सोचना क्या है। आप प्री के बारे में रत्ती भर न सोचें, लैंग्वेज भी है नहीं, आपके पास सिर्फ क्वांट मैथ है और रीजनिंग है। आप पूरी तरह से मेन के लिए कंसंट्रेट कर जाइए और प्री के लिए जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूं, मॉक टेस्ट वाला वीडियो, बस उसको बनाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत आपने प्री दिया है, आपको प्री में आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपको दिक्कत होनी नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसबीआई क्लर्क का प्री दे चुके हैं मेन देंगे, एसबीआई पीओ का प्री दे चुके हैं मेन देंगे, उनको देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, उनको आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वो सिर्फ चैप्टर बेस्ड प्री का जो मैं मॉक दूंगा और दिक्कत होगी तो उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसको देखें। और आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ प्री के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, वो इसके मेन का एक भी एपिसोड नहीं बनाएंगे इन 30 डेज में। ये साफ साफ मेरी सलाह है आपको, क्योंकि जो पाना है उसके लिए अपना 100% देना जरूरी है। 100% दीजिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि 100% देने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। तब तो गीता में कहा गया है कि आप कर्म करें, फल तो भगवान देगा। कहने का यही मतलब है कि आपके वश में तो आपका काम करना ही संभव है ना, तो वही आप कर सकते हैं, वही कीजिए ना। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट तो आना ही है। जो लोग नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी संभावनाएं तलाश रहा हूं। अगर कोई आज की तारीख में प्रिपरेशन शुरू करे तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो यह है कि पास करना आसान नहीं होगा। 30 डेज में प्रिपरेशन बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हैं, वो मुझे दिखता है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए सलाह देता हूं कि आप इसके लिए कीजिए प्रिपरेशन, लेकिन इसके बाद इसका असिस्टेंट का एग्जाम होना है वो भी, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। इसको फर्स्ट एग्जाम मानिए। फर्स्ट एग्जाम का मतलब इग्नोर नहीं करना है, अपनी ओर से 100% देके पास करने की कोशिश करनी है। मैंने एग्जाम का जो एनालिसिस किया, आप मेरे सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं, नए स्टूडेंट को सलाह है प्लेलिस्ट में जाएं, और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस शुरू में है, हर चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के 4-5 कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखें, और फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो कि शुरू में ही लिखा रहता है वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कितनी करें वो काउंट मत कीजिए, आप जितनी कर सकते हैं। आपको सोचना है कि इन 30 डेज में लगभग सारे चैप्टर्स का, उन चैप्टर को छोड़ करके जो आपके लाख प्रयास के बावजूद आपसे अभी नहीं हो पा रहा तो छोड़ दीजिए ना, इस एग्जाम के बाद उसको देखिएगा। जो एकदम नहीं हो पा रहा छोड़ दीजिए, जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं आप अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लीजिए, मैं सलाह नहीं दूंगा। हर स्टूडेंट का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उसके मुताबिक वो अपना एरिया देखे और उसके मुताबिक उन चैप्टर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू के 4-5 वीडियोस देखे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और फिर लगातार जो मैं मॉक टेस्ट लूंगा उनको दे, इंप्रूव करे, धीरे धीरे आगे बढ़े। वो रीजनिंग में पजल सेक्शन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, 1 या 2 बनाने का टारगेट रहेगा, 1 भी बना लिए तो चांसेस रहते हैं, बाकी सेक्शन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लें। और मैथमेटिक्स में भी मैंने जो सेक्शन कहा
वो सारे सेक्शन में कर सकते हैं, मैं डिफाइन नहीं करता हूं। मैंने पहले जो चर्चा की क्वांट के लिए, मैथ के लिए, उसमें जो एरिया आपको अच्छा लगता है वो आप करें, आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने टाइम तो बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। संभव है किसी दिन दिन भर पढ़ते रह गए, 10-12 घंटे भी हो गया, मतलब आप अपने को झोंक दीजिए, आपके लिए संभावनाएं हैं। ऑल द बेस्ट।